हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज साइकोलॉजी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन करेंगे और ये एडवांस साइकोलॉजी उन लोगों के लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपीएससी हो गया, नेट हो गया। और ये एक बहुत अच्छी बुक है, शायद आपने उसका नाम भी सुना होगा, सॉन्डरा चिक्रेली और नॉलन वाइट की। तो इस बुक से अगर आप साइकोलॉजी एक बार पढ़ लेते हैं तो आपको नेट में और यूपीएससी में बहुत फ़ायदा होगा। प्लस जो 11th 12th की बुक मैंने कवर की थी वो बेसिक्स हैं, तो ये थोड़ा सा उससे एडवांस हो जाएगा। तो आज इसको हम पढ़ना शुरू करेंगे धीरे धीरे, और काफ़ी इसमें सिलेबस ज़्यादा है तो हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी से कवर करें। तो ये इसका चैप्टर 1 है, द साइंस ऑफ साइकोलॉजी, और इसको शुरू करते हैं आगे। सबसे पहले तो इसमें ये क्वेश्चन या एक टॉपिक दिया हुआ है कि व्हाई स्टडी साइकोलॉजी, साइकोलॉजी हम क्यों पढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस बुक जो ये यहाँ पे कह रहा है कि साइकोलॉजी पढ़ने से हमें इट नॉट ओनली हेल्प्स यू अंडरस्टैंड व्हाई पीपल एंड एनिमल डू थिंग्स दे डू, बट इट ऑल्सो हेल्प्स यू टू नो इट ऑल्सो हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड बेटर अंडरस्टैंड योर सेल्फ। मतलब साइकोलॉजी जो है ये खाली आप इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि आपको ये पता चल जाए कि लोग क्यों करते हैं और कैसे रिएक्ट करते हैं और क्यों करते हैं, बट वो इसलिए भी पढ़े जाती है ताकि हम अपने आप को खुद को भी बेटर अंडरस्टैंड कर सकें। तो और आपके जो रिएक्शंस है दूसरों की तरफ, मतलब हमारा, अगर आपको याद है हमने बेसिक्स में पढ़ा था कि हम अपने बिहेवियर को स्टडी करते हैं साइकोलॉजी में, तो बिहेवियर मतलब वही हुआ जो हमारा रिएक्शन है। तो हम ये साइकोलॉजी इसलिए पढ़ते हैं कि हम दूसरों को भी और अपने आप को भी बेटर अंडरस्टैंड कर सकें और हमारे जो रिएक्शंस होते हैं दूसरों के लिए। साइकोलॉजी कैन हेल्प यू टू कॉम्प्रीमेंट हाउ योर ब्रेन एंड बॉडी आर कनेक्टेड। मतलब इसमें यह भी बताया जाता है कि आपकी बॉडी और ब्रेन कैसे कनेक्टेड हैं। अगर आपने बेसिक्स पढ़ी है तो आपको ये लाइन भी समझ में आ रही होगी। उसके बाद लर्निंग एबिलिटीज़ और मेमोरी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, आपका मेमोरी वाला चैप्टर था हमारे क्लास 11th वाली बुक में, अगर आपको ध्यान हो तो हमने उसमें मेमोरी पढ़ा है, हमने लर्निंग पढ़ा है। और स्ट्रेस से कैसे डील करना है अपनी लाइफ के स्ट्रेस से, ये सब चीज़ें हम साइकोलॉजी में सीखते हैं। उसके बाद इसमें ये बता रहे हैं कि साइकोलॉजी का जो यूज़ है ना वो रिसर्च के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी भी रिसर्चेज होती हैं जो लोगों के ऊपर होती हैं, तो उसमें कैसे साइकोलॉजिस्ट किन मेथड्स का यूज़ करते हैं उन रिसर्चेज को करने के लिए, वो जानना बहुत ज़रूरी है। और जब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो धीरे धीरे हम वो मेथड्स के बारे में भी पढ़ेंगे, और हो सकता है कि वो रिसर्च जो करी गई है उनमें कुछ फ्लॉज हों, फ्लॉज मतलब कुछ गलतियाँ हों। तो क्योंकि ऐसा नहीं होता कि कोई भी रिसर्च 100% करेक्ट है, क्योंकि ह्यूमंस हैं हम, मशीन्स नहीं हैं कि जिस तरह का हम लोग लिख देंगे कि ये इस तरीके से रिएक्ट करेगा वो वैसे रिएक्ट करे। ह्यूमंस अलग अलग हैं, सबकी ह्यूमैनिटी के अकॉर्डिंग हो सकता है रिसर्च जो करी गई है किसी के ऊपर फिट आए, किसी के ऊपर ना फिट आए। तो इसलिए फ्लॉज होते ही हैं थोड़े बहुत रिसर्च में। और रिसर्च मेथड से हम क्रिटिकल थिंकिंग अपनी जो है उसको प्रमोट करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब एनालाइज करना बहुत अच्छे से किसी चीज़ को, इवैल्यूएट करना। इवैल्यूएट करने का मतलब कि उसमें क्या सही है क्या गलत है, इन सब चीज़ों को एनालाइज कर पाना। तो ये सब चीज़ें भी हम इसमें सीखते हैं जब हम रिसर्च मेथड्स पढ़ते हैं साइकोलॉजी में। तो यहाँ पे ये आपकी पूरी इम्पोर्टेंस दी हुई है कि साइकोलॉजी पढ़ना क्यों ज़रूरी है और उसके अंदर की जो रिसर्चेज होती हैं वो किस मेथड से की जाती है, उनको पढ़ना और उनको जानना क्यों ज़रूरी होता है। तो ये आपका हमारा टॉपिक कवर हो गया, व्हाई स्टडी साइकोलॉजी। अब आगे चलते हैं। इसमें आपके कुछ ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं कि आप जब ये बुक पढ़ेंगे तो आप इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। तो उसके बाद हमारा जो शुरू हो रहा है, इसमें पहला टॉपिक है इसमें व्हाट इज साइकोलॉजी, द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। फील्ड ऑफ साइकोलॉजी अगेन ये साइकोलॉजी बेसिक की बता रहा है कि यहाँ पे कि सम पीपल बिलीव साइकोलॉजी इज जस्ट द स्टडी ऑफ पीपल। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि साइकोलॉजी मतलब हम लोगों के बारे में पढ़ रहे हैं, कि
कि वो क्या सोचते हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं. तो ऐसा नहीं है, साइकोलॉजी जो है स्टडी ऑफ एनिमल्स भी है. जैसे कि हमने कुछ लर्निंग वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि स्किनर ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो डॉग को लेके किए थे, पैवलोव ने डॉग को किए थे, और आगे हमने स्किनर के भी देखे थे कि उन्होंने पिजन्स के ऊपर किए थे. तो स्टडी ऑफ पीपल ही नहीं, स्टडी ऑफ एनिमल्स भी इसमें आता है. तो इसलिए हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ स्टडी ऑफ पीपल है. फिर यहाँ पे ये पूछ रहा है क्वेश्चन, व्हाट डिफाइन साइकोलॉजी एज अ फील्ड ऑफ स्टडी एंड व्हाट आर साइकोलॉजीज फोर प्राइमरी गोल्स. मतलब साइकोलॉजी को डिफाइन करने के लिए कहा है और उसके प्राइमरी गोल्स. साइकोलॉजी की डेफिनेशन इसमें वही दी हुई है जो आपके हमने 11th और 12th की बुक्स में पढ़ी थी. साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस. आपको उसकी अगर पहली स्लाइड याद हो गई जो हमने पढ़ा था कि साइकोलॉजी क्या चीज़ है, उसमें भी हमने यही चीज़ें डिस्कस की थी कि साइकोलॉजी बिहेवियर की स्टडी है. बिहेवियर क्या होता है, जैसे कि जिसमें हमारे आउटवर्ड और ओवर्ट एक्शंस होते हैं. ओवर्ट मतलब जो हम दूसरों को, जो रिएक्शंस हमारे दूसरों को नज़र आते हैं, जैसे बात करना, एक्सप्रेशंस बनाना, ज़ोर ज़ोर से हंसना, ओवर्ट वाले. और ओवर्ट का उल्टा मैंने आपको बताया था होता है कोवर्ट. कोवर्ट क्या होता है, जो हम अपने अंदर ही अंदर सोचते हैं जो दूसरे लोग नहीं देख सकते. तो बिहेवियर वो होता है जो दूसरों को नज़र आता है. तो बिहेवियर की स्टडी करना, मेंटल प्रोसेसेस की स्टडी करना. मेंटल प्रोसेसेस वो हो जाता है जो इंटरनल है, जो हमारे दिमाग में चल रहा है. जैसे कि इसको इन्होंने कोवर्ट एक्टिविटी दिया हुआ है, कोवर्ट एक्टिविटी ऑफ आवर माइंड. हमारे माइंड में जो चीज़ चल रही है जो दूसरों को इजीली नज़र नहीं आ सकती, जैसे कुछ सोचना, थिंकिंग अगर हम कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, हमें कुछ, हमें फील हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है, बुरा फील हो रहा है, रिमेम्बरिंग, हम कुछ याद कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें कोवर्ट में आएंगी क्योंकि ये दूसरों को नज़र नहीं आती है, हम अंदर ही अंदर कर रहे हैं इंटरनली. तो एक तो बिहेवियर हो गया जो दूसरों को दिखता है, एक हो गया मेंटल प्रोसेसेस जो दूसरों को नहीं दिखता. इन दोनों की स्टडी को यहाँ पे साइकोलॉजी बोला हुआ है. और इसको साइंस क्यों, साइंटिफिक क्यों बोलते हैं, स्टडी को हम साइंटिफिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनको हम ऑब्जर्व करते हैं साइंटिफिकली, लैब्स में ऑब्जर्व करते हैं, कंट्रोल कंडीशंस में ऑब्जर्व करते हैं. और ऑब्जर्वेशन इसका एक बेसिक पार्ट है क्योंकि हमारे सारे जितने भी रिसर्चेज होती हैं वो ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होती हैं. हम अगर एक्सपेरिमेंट भी करते हैं तो उसको हम बाद में ऑब्जर्व करते हैं कि उसका क्या असर हुआ है हमारे सब्जेक्ट के ऊपर, जो हमारा पार्टिसिपेंट है. तो ऑब्जर्वेशन इसका बेसिक वो है जो कि साइंटिफिक मेथड है एक ऑब्जर्वेशन. उसके बारे में भी हमने अपने बेसिक चैप्टर में पढ़ा था कितने टाइप की होती है, पार्टिसिपेंट होती है, नॉन पार्टिसिपेंट होती हैं. तो इसलिए इसको एक साइंटिफिक मेथड बोला गया. कंट्रोल कंडीशंस होती हैं, कंट्रोल और कई बार नेचुरल कंडीशंस भी होती हैं जिसमें हम ऑब्जर्व करते हैं. कंट्रोल कंडीशन होती है जब हम लैब में ऑब्जर्व करते हैं, नेचुरल कंडीशंस होती हैं जब हम किसी को अपना नेचुरल बिहेवियर करते हुए ऑब्जर्व करते हैं. तो एक तरीके से यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे डेफिनेशन सम अप कर दिया है कि साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस. अब आते हैं इसके गोल्स पे. साइकोलॉजी के गोल्स क्या हैं, हम साइकोलॉजी पे पढ़ते हैं उसमें हमारे क्या गोल्स होते हैं, क्या टारगेट होते हैं. तो एक कॉमन गोल है, जैसे एवरी साइंस हैज अ कॉमन गोल ऑफ लर्निंग हाउ थिंग्स वर्क. साइंस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सबका एक कॉमन गोल होता है कि हम ये देखना चाहते हैं कि चीज़ें काम कैसे करती हैं. जैसे फिजिक्स में हम देखते हैं कि ग्रेविटी कैसे काम करती है, केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि एलिमेंट्स कैसे रिएक्ट करते हैं. ऐसे ही अगर साइकोलॉजी एज अ साइंस की बात करें तो इसमें हम ये देखते हैं कि ह्यूमंस कैसे रिएक्ट करते हैं और वो ऐसे बिहेव क्यों करते हैं, एनिमल्स ऐसे बिहेव क्यों करते हैं. फिर उनको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं. प्रिडिक्ट मतलब हम एक बार जैसे किसी का बिहेवियर स्टडी करते हैं तो हम उसी को आगे फर्दर किसी और सिचुएशन में भी प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि उसका बिहेवियर वैसा ही होगा. कंट्रोल भी करने की कोशिश करते हैं. तो ये सब चीज़ें हम इसमें करते हैं. ये हमारा एक गोल होता है कि हम जान सकें कि ह्यूमन और एनिमल्स कैसे बिहेव करते हैं. डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन किसकी देते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग. तो जब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले ये डिस्क्रिप्शन देते हैं कि जो हमने ऑब्जर्व किया वो क्या था. जैसे हम किसी के बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, कोई एनिमल है या कोई ह्यूमन है, तो हम उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जब हमने उसको ऑब्जर्व करा तो उसने इस तरीके से रिएक्ट करा.
तो हम अपने डिस्क्रिप्शन में ये लिखते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग, वेयर इट हैपन्स, टू हूम इट हैपन्स एंड अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस, मतलब एक्चुअली में क्या हुआ था, कहाँ पे हुआ था, किसके साथ वो हुआ था और कौन सी सिचुएशंस थी जिसमें हुआ था. सपोज हम किसी पर्सन के अग्रेसिव बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं तो हम अपने जब डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो हम ये लिखेंगे कि जिसका हम जिस पर्सन को ऑब्जर्व कर रहे थे उसका ये बिहेवियर जो है वो एग्रेसिव था. व्हाट इज हैपनिंग मतलब क्या हुआ था, वो बहुत अग्रेसिव हो गया था. वेयर इट हैपन्स कहाँ पे हुआ था, जब वो अपने दोस्त से बात कर रहा था, अपने दोस्त के पास था तब वो एग्रेसिव गुस्सा हो गया था उसको. टू होम इट हैपन्स किसके साथ हुआ था, जो हमारा पार्टिसिपेंट था उसके साथ हुआ था. व्हाट सर्कमस्टेंसेस मतलब क्यों हुआ था, किस तरह के सर्कमस्टेंसेस थे, जब वो अपने दोस्त के साथ कुछ डिस्कस कर रहा था या कुछ पर्सनल बात कर रहा था तब हुआ था. तो इस तरीके से हम डिस्क्रिप्शन देते हैं इसकी जब हम अपने सब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं. एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है जैसे अ साइकोलॉजिस्ट माई वंडर व्हाई सो मैनी कंप्यूटर साइंटिस्ट सीम्स टू बी मेल. मतलब मान लीजिए एक साइकोलॉजिस्ट ये स्टडी करना चाहता है कि जितने भी कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं वो ज़्यादातर मेल क्यों हैं, फीमेल्स क्यों नहीं हैं. तो वो ऑब्जर्वेशन करता है और नोट्स बनाता है. तो नोट्स बनाते टाइम वो लिखता है नोट्स दैट मैनी नॉन टेकीज मतलब जो नॉन टेक्निकल लोग हैं वो अपने स्टीरियोटिपिकली परसीव द लाइफ एंड एनवायरनमेंट ऑफ अ कंप्यूटर साइंटिस्ट एज समवन हु लिव्स एंड ब्रीथ एज द कंप्यूटर सराउंड हिमसेल्फ विद कंप्यूटर गेम्स जंक फूड साइंस फिक्शन गैजेट्स एंड दैट अप टू अ वेरी मैस्कुलिन एम्बियंस. मतलब एक साइकोलॉजिस्ट था जिसने ये रिसर्च करी करने की कोशिश की कि कंप्यूटर साइंटिस्ट ज़्यादातर मेल क्यों होते हैं. तो उसने जब अपनी ऑब्जर्वेशन करी तो उसने ये नोट्स बनाए, नोट किया कि जितने भी नॉन टेकीज हैं मतलब जो कंप्यूटर साइंस में नहीं, जो कंप्यूटर्स नहीं यूज़ करते या फिर जो कंप्यूटर की लाइन में नहीं है, वो ये मानते हैं कि जो इस लाइन में होते हैं कंप्यूटर की लाइन में, जो कंप्यूटर्स पे काम करते हैं, वो वैसे लोग होते हैं जो 24 घंटे कंप्यूटर के आसपास ही रहते हैं, हमेशा कंप्यूटर गेम्स या जंक फूड खाते रहते हैं, जो साइंस फिक्शन गैजेट्स ज़्यादा यूज़ करते हैं. तो ऐसे लोग, ऐसी पर्सनालिटी सिर्फ एक मेल को ही सूट कर सकती है. मैस्कुलिन एम्बियंस मतलब किसी मेल की पर्सनालिटी, मेल जैसा. तो ये ऑब्जर्वेशन उसने करी, तो ये डिस्क्रिप्शन दी उसने, उसने जो देखा उसकी. तो ये हम डिस्क्रिप्शन की बात कर रहे हैं. तो इन्होंने एग्जांपल दिया है कि एक साइकोलॉजिस्ट जब ऑब्जर्व करता है तो वो किस तरीके से अपनी ऑब्जर्वेशन की डिस्क्रिप्शन लिखता है. उसके बाद है एक्सप्लेनेशन. अब आपने डिस्क्रिप्शन लिख दी, अब आप उसको एक्सप्लेन करोगे क्योंकि आप एनालाइज करोगे सिचुएशन को जो आपने ऑब्जर्व करी है, फिर उसको आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे. तो ऊपर वाला ही एग्जांपल इन्होंने उठा लिया कि जो साइकोलॉजिस्ट थी उसने अपने ऑब्जर्वेशन के बेस पे एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन दी. टेंटेटिव इसलिए दी क्योंकि अभी वो उसको प्रूफ करने के लिए उसको वो करना पड़ेगा, उसको हो सकता है उसको टेस्ट करने पड़े थ्योरी अपनी. तो अभी एक वो टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन दे रही है. एक टेंटेटिव का मतलब है टेम्परेरी एक्सप्लेनेशन देती है कि वुमेन फील दे डू नॉट बिलोंग इन सच स्टीरियोटिपिकली मैस्कुलिन सराउंडिंग्स, कि वुमेन को लगता है कि वो इस तरह की सराउंडिंग्स को बिलोंग नहीं करती. सराउंडिंग्स किस तरह की, जो हमने ऊपर अभी देखी कि ये वाली सराउंडिंग्स के जहाँ पे हमेशा कंप्यूटर के अपने आसपास, हमेशा कंप्यूटर के आसपास ही रहना, कंप्यूटर गेम्स खेलना, जंक फूड खाना, साइंस फिक्शन गैजेट्स यूज़ करना. तो वुमेन जो हैं, औरतें जो हैं, उनको ऐसा फील होता है कि वो ये सब चीज़ें इतना ज़्यादा नहीं कर सकती, तो इसलिए वो कंप्यूटर साइंटिस्ट की लाइन में नहीं जाती. तो ये इसने, साइकोलॉजिस्ट ने टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन दी है जो इसको लगा एनालाइज करके कि ये रीज़न है. अब वो क्या करेंगे साइकोलॉजिस्ट, शी इज़ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड और फाइंड एन एक्सप्लेनेशन फॉर द लोअर प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन दिस फील्ड. अब वो सारे एक्सप्लेनेशन सारे वुमेन के लिए नहीं दे सकती. ये उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिया हो सकता है कि वो सब लोगों के लिए फिट ना बैठे. तो अब वो क्या करेंगे, और लोगों को जाके स्टडी करेंगे जो इसी फील्ड में हो लेकिन थोड़ा सा लोअर प्रोपोर्शन में हो. लोअर प्रोपोर्शन मतलब थोड़ा सा कम, जैसे कि एकदम कंप्यूटर साइंटिस्ट ना हो लेकिन लो लेवल पे परफॉर्म करते हो, जो कंप्यूटर्स
यूज करते हैं लेकिन कम यूज करते हैं, ताकि वो ये जान सके कि जो उनकी थ्योरी है कि वुमेन ऐसा फील करती है कि वो ये कंप्यूटर वगैरह की सराउंडिंग्स नहीं पसंद करती, तो क्या ये थ्योरी सही है या गलत है. तो अ थ्योरी इज अ जनरल एक्सप्लेनेशन ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट. तो थ्योरी, जैसे मैं वर्ड जो बार बार यूज कर रही हूँ उसका क्या मतलब है, थ्योरी का मतलब ये है कि जो आपने जनरल एक्सप्लेनेशन दी है ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ, आपने जो ऑब्जर्व किया, जैसे साइकोलॉजिस्ट ने ऊपर कुछ ऑब्जर्व किया उसके बेस में उसने ये एक्सप्लेनेशन दे दी, तो ये जो एक्सप्लेनेशन है इसको हम थ्योरी कहेंगे. क्यों? क्योंकि अभी ये थ्योरी है जिसको वो प्रूफ करेगी. साइकोलॉजिस्ट को प्रूफ करना ज़रूरी होता है, अदरवाइज वो थ्योरी फेल हो जाती है और उसको फिर आगे फर्दर स्टडी नहीं किया जा सकता. तो ये उसने थ्योरी दी अपनी, एक जनरल एक्सप्लेनेशन दे दी कि जो उसने ऑब्जर्व किया था उसके बेस पे. अब उस थ्योरी को प्रूफ करना ज़रूरी है ताकि वो थ्योरी जो है वो आगे रिकॉग्नाइज्ड हो सके. अ गोल ऑफ डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स द ऑब्जर्वेशन एंड द गोल ऑफ एक्सप्लेनेशन हेल्प्स टू बिल्ड द थ्योरी. डिस्क्रिप्शन जो हम लिखते हैं उससे हमें ऑब्जर्वेशन के बारे में पता चलता है कि हमने क्या ऑब्जर्व किया, और जो एक्सप्लेनेशन हम लिखते हैं उससे हमें थ्योरी बिल्ड करने में हेल्प मिलती है. तो पहले हमने जो डिस्क्रिप्शन लिखी थी उससे हमें ये पता चला कि हमने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन लिखी है, और फिर जब हमने एक्सप्लेनेशन लिखी तो उससे हमने थ्योरी बिल्ड कर ली है, तो ये हमारी थ्योरी यहाँ पे बन गई. अब आगे चलते हैं प्रिडिक्शन. प्रिडिक्शन का मतलब है कि जो आपने थ्योरी बनाई है क्या उसी हिसाब से दोबारा लोग रिएक्ट करेंगे. When will it happen again? मतलब दोबारा कब होगा ऐसा. Determining when what will happen in the future is a prediction. मतलब फ्यूचर में क्या होगा उस चीज को डिटरमिन करना उसको प्रिडिक्शन बोलते हैं. If we want more women to go into computer science, we must do something to change either the environment or the perception of the environment typically associated with the field. This is the purpose of the last four goals of psychology, changing or modifying behavior. अब ये यहाँ पे ये बोला गया है कि अब हम ये जैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं ऊपर की एक्सप्लेनेशन पढ़ के कि कोई भी अगर वुमेन होगी जिसको अगर ऑप्शन मिलेगा कि कंप्यूटर साइंस की लाइन में जाना है कि किसी और दूसरी फील्ड में जाना है, तो वो कंप्यूटर साइंस की फील्ड में नहीं जाएगी क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उस फील्ड में रहने के लिए पूरा टाइम कंप्यूटर्स के आसपास रहना पड़ता है. तो अब इस परसेप्शन को जब तक हम चेंज नहीं करेंगे तब तक हम जो लोगों की थिंकिंग है या वुमेन की थिंकिंग है वो चेंज नहीं कर सकते. ये प्रिडिक्शन है हमारी कि अगर हमें वुमेन की थिंकिंग चेंज करनी है तो हमें उनके परसेप्शन को चेंज करना पड़ेगा. परसेप्शन मतलब जो वो सोचते हैं, या फिर एनवायरनमेंट को चेंज करना पड़ेगा जिस एनवायरनमेंट में ये लोग काम करते हैं. तो मतलब ये प्रिडिक्शन का जो मेन जो पर्पस होता है प्रिडिक्ट करने का वो ये होता है कि आप चेंज करो या मॉडिफाई करो बिहेवियर को. आपको पता है कि एक बिहेवियर ऐसा है जो स्टीरियोटिपिकल है. स्टीरियोटिपिकल मतलब एक जो वर्ड यहाँ बार बार यूज हो रहा है, अगर आपको इसका मतलब नहीं पता, यहाँ पे ये वर्ड था आपका स्टीरियोटिपिकल. स्टीरियोटिपिकल का मतलब ये होता है जो चीज़ बहुत पहले से मानी जा रही है. ये रहा स्टीरियोटिपिकली परसीव, मतलब कोई चीज़ है जो पहले से मानी जा रही है, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है. बस 10 लोग मानते हैं तो उसको सुन के बाकी 20 लोग भी मानने लगे, फिर 20 लोगों को सुन के आगे 100 लोग भी मानने लगे, लेकिन उसका कोई लॉजिक नहीं है, बस पुरानी बात चलती आ रही है और आगे लोग मानते जा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं स्टीरियोटिपिकल. तो यही जो स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग है लोगों की कि कंप्यूटर या वुमेन की थिंकिंग है कि कंप्यूटर साइंस में अगर फील्ड में उन्होंने जॉब करनी है तो उनको 24 घंटे कंप्यूटर्स के आसपास रहना पड़ेगा, तो इस टाइप की थिंकिंग को जब तक चेंज या मॉडिफाई नहीं करते ये बिहेवियर चेंज नहीं होगा. तो ये प्रिडिक्शन जो है ये हमारे को यही पर्पस देती है कि हमें ये जो बिहेवियर है ये मॉडिफाई करना है. उसके बाद चौथा आ जाता है कंट्रोल. कंट्रोल मतलब चेंज कैसे करें, हाउ कैन इट बी चेंज्ड. द फोकस ऑफ कंट्रोल और मॉडिफिकेशन ऑफ सम बिहेवियर इज टू चेंज बिहेवियर फ्रॉम एन अनडिजायरेबल वन टू अ डिजायरेबल वन. मतलब बिहेवियर हम क्यों चेंज करते हैं, एक बिहेवियर है जो हमें नहीं चाहिए जिसको हमने अनडिजायरेबल बिहेवियर बोला है, और एक बिहेवियर है जो हमें चाहिए जिसको हमने डिजायरेबल बिहेवियर बोला है. तो हमें उस बिहेवियर को अनडिजायरेबल से डिजायरेबल बनाना है. मतलब
undesirable मतलब जैसे such as woman avoiding a certain academic major. Undesirable behavior ये है कि जो woman है वो computer science की field में जाना avoid करती है. और desirable क्या है? More equality in career choices. कि woman हो या man हो, career choices में equality होनी चाहिए. तो हमें ये behavior change करना है यहाँ पे. तो इसको हम बोलते हैं control, के कैसे हम behavior को undesirable से desirable बना सके. इसके बाद आगे चलते हैं. ओके, उसके बाद आते हैं आपके साइकोलॉजी हिस्ट्री, द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें सबसे पहले तो यहाँ पे जो आपको पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो यहाँ पे नाम दिया हुआ है, आपको अगर ये नाम याद हो, विलियम वुड का नाम है, इनके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही जो है वो लैब सेटअप करी थी, जो आपको 11th-12th की बुक्स में भी पढ़ाया था मैंने. ये रहा, इट ऑल स्टार्टेड टू कम टुगेदर इन लेबोरेटरी इन लिप्सिक. लिप्सिक जर्मनी में 1879 में विलियम वुड ने जो है वो लैब साइकोलॉजी की सेटअप करी थी. और इसमें इन्होंने दे अटेम्प्टेड टू अप्लाई साइंटिफिक प्रिंसिपल्स टू द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड. जो ह्यूमन माइंड की स्टडी हुई थी उसमें साइंटिफिक प्रिंसिपल्स अप्लाई करने की कोशिश की थी. इसकी ये इम्पोर्टेंस है. इन हिज लेबोरेटरी स्टूडेंट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड वर टॉट टू स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन माइंड. इनकी लैब में क्या करते थे, स्टूडेंट्स ह्यूमन माइंड के स्ट्रक्चर की स्टडी करते थे. तो वुड बिलीव दैट माइंड वॉज मेड अप ऑफ थॉट्स एक्सपीरियंसिस एंड इमोशंस एंड अदर बेसिक एलिमेंट्स. उनको ये लगता था कि जो ह्यूमन माइंड है उसके अंदर बहुत सारे थाट्स हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसिस हैं, बहुत सारे इमोशंस हैं और ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि नॉन फिजिकल एलिमेंट्स हैं. नॉन फिजिकल मतलब जिनको आप टच नहीं कर सकते, जिन्हें आप देख नहीं सकते. तो उनकी स्टडी करने के लिए यहाँ पे जो बच्चे थे ये ह्यूमन माइंड का स्ट्रक्चर स्टडी करते थे, जो इन्होंने लैब सेटअप की थी. ये पहली लैब थी साइकोलॉजी के लिए जो सेटअप हुई थी. वुन कॉल दिस प्रोसेस ऑब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन. ये जो प्रोसेस था ह्यूमन माइंड की स्ट्रक्चर को स्टडी करने का, इसको जो वुन्स हैं इसको बोलते थे ऑब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन. The process of objectively examining and measuring one's own thought and mental activities. ये इसकी definition दी हुई है, यहाँ पर भी लिखी हुई है. जो objective introspection word है इसका मतलब है the process of examining and measuring one's own thoughts and mental activities. Introspection का मतलब होता है अपने आप से बातचीत करना. Self introspection word होता है कि आप अपने आप से अपने मन ही मन में बात कर रहे हो. ऑब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन का मतलब यहाँ दिया है जब हम अपने आप के खुद के थॉट्स को और अपने खुद के मेंटल एक्टिविटीज़ के बारे में सोचते हैं, एग्जामिन करते हैं उनको और उनको मेजर करते हैं, उनको चेक करते हैं. तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन, जो यहाँ इस लैब में जो प्रोसेस यूज हो रहा था ह्यूमन माइंड को स्टडी करने के लिए वो ये प्रोसेस था. ये करते कैसे थे, अपने खुद के थॉट्स को कैसे एनालाइज करते थे. Wound might place an object such as rock into a student's hand and have the student tell him everything that he was feeling as a result of having the rock in his hand. मतलब कि wound ये क्या करते थे, जैसे कि एक student है उसके हाथ में एक पत्थर पकड़ा दिया और उसको ये बोलते थे कि अब उसको वो सारी feelings बतानी है जो उसको उस time दिमाग में आ रही है या thoughts आ रहे हैं. उस रॉक को या उस पत्थर को अपने हाथ में पकड़ के उसके माइंड में क्या क्या थॉट्स आ रहे हैं या क्या उसको फील हो रहा है वो सारी चीज़ें उसको बतानी है. तो इस तरह से इस अपने थॉट्स को और मेंटल एक्टिविटीज़ को खुद से डिस्क्राइब करते थे, इसलिए उसको बोलते थे इंट्रोस्पेक्शन. ऑब्जर्वेशन नीड टू बी क्लियर एंड प्रिसाइज. इस तरीके से वो ऑब्जर्व करते थे वो जो बच्चे थे एक दूसरे को अपना ह्यूमन माइंड स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए. और दिस वाज रियली द फर्स्ट अटेम्प्ट बाय एनीवन टू ब्रिंग ऑब्जेक्टिविटी एंड मेजरमेंट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी. ये लाइन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है
कि ये पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी ने ऑब्जेक्टिविटी और मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट साइकोलॉजी पे लगाया था कि कैसे हमें ऑब्जेक्टिवली मेजर कर सकते हैं. और लैब सेटअप भी की थी इन्होंने, इसलिए दैट इज वाई वुंड इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ साइकोलॉजी. ये आपने याद रखना है, जो विलियम वुंड है उसको फादर ऑफ साइकोलॉजी बोलते हैं. और इनका जो मेथड था वो था ऑब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन. उसके बाद आते हैं टिचनर एंड स्ट्रक्चरिज्म. स्ट्रक्चरिज्म अब यहाँ पे पढ़ना है. ये यहाँ पे वुंड के एक स्टूडेंट थे एडवर्ड टिचनर, जो एक इंग्लिश मैन थे, मतलब कि इंग्लैंड से थे. और टिचनर एक्सपैंडेड ऑन वुंड्स ओरिजिनल आइडियाज एंड कॉलिंग. अच्छा, अब ये क्या करते थे, जो इन्होंने वुंड्स के आइडियाज को थोड़ा सा और एक्सपैंड, मतलब और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, और अपने जो व्यू पॉइंट्स थे उसको इसको इन्होंने नाम दिया था स्ट्रक्चरलिज्म. तो ये स्ट्रक्चरलिज्म नाम से ये क्वेश्चन आते हैं आपको इसमें, कि स्ट्रक्चरिज्म किसने स्टार्ट किया था. एडवर्ड टिचनर ने स्टार्ट किया था और ये वुंड्स के स्टूडेंट थे. और इन्होंने ये क्या बिलीव करते थे कि एवरी एक्सपीरियंस कुड बी ब्रोकन डाउन इनटू इट्स स्ट्रक्चर ऑफ माइंड. जितने भी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं वो छोटे छोटे इंडिविजुअल इमोशंस और सेंसेशंस में ब्रेक हो सकते हैं. ही बिलीव दैट एवरी एक्सपीरियंस कुड बी ब्रोकन डाउन इनटू इट्स इंडिविजुअल इमोशंस एंड सेंसेशंस. मतलब जितने भी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं उसको हम छोटे छोटे इमोशंस और छोटे छोटे सेंसेशंस में ब्रेक कर सकते हैं, ये इनका मानना था. क्योंकि ये भी एक्चुअली स्ट्रक्चर पे ही काम कर रहे हैं. स्ट्रक्चरलिज्म का मतलब यही है कि ये ह्यूमन माइंड के स्ट्रक्चर के ऊपर ही स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि ये वुंड्स के ही स्टूडेंट हैं. वुंड भी जो ह्यूमन माइंड के स्ट्रक्चर पर ही स्टडी कर रहे थे, ये भी उसी पर स्टडी कर रहे हैं, पर ये थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में जाके कर रहे हैं. तो ये सारे इमोशंस को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के छोटे छोटे टुकड़ों में स्टडी करना चाहते हैं, और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बेसिक एलिमेंट्स में डिवाइड करके करते हैं. और इनका ये भी मानना था, टिचनर आल्सो बिलीव दैट ऑब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन कुड बी यूज्ड ऑन थॉट्स एज वेल एज ऑन फिजिकल सेंसेशंस. ये कह रहे हैं कि जो ऑब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन मेथड है जो वुंड यूज करते थे, वो थॉट्स के साथ साथ फिजिकल सेंसेशंस में भी यूज हो सकता है. थॉट्स तो ठीक है, जैसे वो बच्चों से पूछते थे कि आपको क्या माइंड में आ रहा है, आप उस पत्थर को पकड़ रहे हो तो कैसी फीलिंग आ रही है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि उसके साथ साथ फिजिकल सेंसेशंस भी हम पूछ सकते हैं उनसे कि उनको क्या, जैसे उन्होंने पकड़ा है तो उनको किस तरह की सेंसेशंस हो रही हैं, फिजिकली उनको कैसा लग रहा है पकड़ने में, दिखने में कैसा लग रहा है. जैसे यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दिया, उसको देख के आपको समझ में आ जाएगा. फॉर एग्जांपल, टीचर माइट हैव आस्क्ड स्टूडेंट्स टू इंट्रोस्पेक्ट अबाउट थिंग्स दैट आर ब्लू रादर देन एक्चुअली गिविंग देम अ ब्लू ऑब्जेक्ट. मतलब अगर टीचर उनकी जगह पे होते हैं, उनकी जगह पे, तो वो उनको ये कहते कि आप ब्लू के बारे, कलर ब्लू है, जैसे कोई ब्लू चीज़ है उसके बारे में सोच के बताओ, ब्लू रादर देन एक्चुअली, मतलब कि ब्लू कलर है जो उसके बारे में सोच के बताओ, ना कि एक्चुअली में कोई ब्लू ऑब्जेक्ट उठा के उसके बारे में सोचो. मतलब बच्चों को ये बोलते थे कि आप ब्लू ऑब्जेक्ट इमेजिन करो कि आपके हाथ में कोई ब्लू कलर का ऑब्जेक्ट है, और फिर आप बताओ कि आपको किस तरह की फीलिंग्स आ रही हैं, आपके मन में कौन सा ऑब्जेक्ट आ रहा है, आप उसके बारे में क्या सोचते हो. वो एक्चुअली में उनको हाथ में देते नहीं कोई ऑब्जेक्ट, उनको वो इमेजिन करने के लिए बोलते कि उन्होंने हाथ में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट ले रखा है. तो मतलब यहाँ पे वो इमोशंस और फिजिकल सेंसेशंस भी स्टडी कर रहे थे. तो दोनों में ये फर्क है. In 1894, one of the Titchener students at Cornell University became famous for becoming the first woman to receive PhD in psychology. Her name was Margaret F. Washburn. ये भी एक important हो गया है यहाँ पे question, कि 1984 में, अब Titchener की student है, पहले Titchener कौन थे, Titchener Wundt के student थे, अब Titchener की जो students है Margaret Washburn, ये पहली ऐसी वुमेन बनी थी जिन्होंने साइकोलॉजी में पीएचडी करी थी 1894 में. तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है इम्पोर्टेंट, के पहली ऐसी वुमेन कौन थी जिन्होंने
पीएचडी इन साइकोलॉजी करी थी या फिर कौन से ईयर में करी थी, एंड उसके बाद इन्होंने एक बुक भी, एक एनिमल बिहेवियर पे बुक भी पब्लिश करी थी जिसका नाम था द एनिमल माइंड। तो ये एक तरह से आपके कुछ क्वेश्चन यहाँ से इस पैराग्राफ से आ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है विलियम जेम्स एंड फंक्शनलिज्म। अच्छा, अब स्ट्रक्चरलिज्म खत्म हो गया है यहाँ पे, क्योंकि अब शुरू हो गया है आपका फंक्शनलिज्म, और फंक्शनलिज्म के साथ जो नाम आपने याद रखना है वो विलियम जेम्स का है। तो विलियम जेम्स जो था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वाज द फर्स्ट स्कूल इन अमेरिका टू ऑफर क्लासेस इन साइकोलॉजी। अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है वो पहली ऐसी यूनिवर्सिटी थी जो कि साइकोलॉजी में क्लासेस ऑफर करते थे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया यहाँ पे। और विलियम जेम्स वहीं के इंस्ट्रक्टर थे, मतलब एक तरीके से टीचर बोल लो आप, प्रोफेसर वहीं के इंस्ट्रक्टर थे ये। और ये पहले एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ाते थे, बट धीरे धीरे इनका इंटरेस्ट जो है साइकोलॉजी में डेवलप हो गया था। और उसके बाद इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं क्या थी। फंक्शनलिज्म का मतलब एक्चुअली में ये होता है कि स्ट्रक्चर की जगह फंक्शन पे फोकस करना, इस चीज़ पे फोकस करना कि ब्रेन फंक्शन कैसे करता है, ना कि ये चीज़ कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो अभी इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि इंस्टेड जेम्स फोकस्ड ऑन हाउ माइंड अलाउ पीपल टू फंक्शन इन रियल वर्ल्ड, मतलब जेम्स का फोकस इस पे था कि फंक्शन कैसे करता है माइंड, ना कि इस पे कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। हाउ माइंड अलाउज पीपल टू फंक्शन इन रियल वर्ल्ड, हाउ पीपल वर्क प्ले अडेप्ट टू देयर सराउंडिंग्स, जिसको इन्होंने नाम दिया फंक्शनलिज्म, मतलब कैसे माइंड फंक्शन करता है। स्ट्रक्चर से ज़्यादा इनका फोकस था फंक्शन ऑफ माइंड पे, इसलिए इनकी स्टडी को फंक्शनलिज्म नाम दिया गया था। ही वॉज हैविली इन्फ्लुएंस्ड बाई चार्ल्स डार्विन आइडियाज अबाउट नेचुरल सेलेक्शन इन विच फिजिकल ट्रेट दैट हेल्प एन एनिमल टू अडेप्ट हिज एनवायरमेंट एंड सराउंड। अब चार्ल्स डार्विन की थ्योरी है नेचुरल सेलेक्शन की, बहुत ही फेमस, ज़्यादातर लोगों को ये पता ही है कि इन्होंने नेचुरल सेलेक्शन के बारे में बात की थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली, कि जैसे जैसे वो एनवायरनमेंट चेंज होता जाता है तो ह्यूमंस और एनिमल्स इवॉल्व होते हैं और जो सबसे ज़्यादा फिट होता है वो सर्वाइव कर जाता है और वही अपने ट्रेट्स वो आगे अपने ऑफस्प्रिंग्स को या अपने बच्चों को पास कर देते हैं, और जो फिट नहीं होते वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, मतलब जो जो स्पीशीज़ उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग फिट नहीं होती वो ख़त्म हो जाती है और जो फिट होती है वो सर्वाइव कर जाती है और उसी वही चीज़ वो आगे अपने बच्चों को पास कर देती है। तो ये नेचुरल सेलेक्शन की जो थ्योरी थी इससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे विलियम जेम्स, और वो ये कह रहे थे कि जैसे फिजिकल ट्रेट्स अगर पास ऑन हो सकते हैं तो बिहेवियर ट्रेट्स क्यों नहीं हो सकते, हो सकता है कि बिहेवियर ट्रेट्स भी पास ऑन हो सकते हों। वो तो अब हमें पता है कि ऐसा होता है, बिहेवियर ट्रेट्स भी होते हैं पास ऑन, लेकिन उस टाइम पे इस चीज़ पे स्टडी चल रही थी क्योंकि उस टाइम ये लोगों को नहीं पता था कि हम बिहेवियर भी पास ऑन कर सकते हैं, जैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे, जिसको बाद में हेरिडिटी जैसे हम बोलते हैं, आजकल हेरिडिटी का नाम मिल गया था कि जैसे हमारी हेरिडिटी क्या होती है, जैसे हमारे पेरेंट्स का बिहेवियर होता है उसमें से कुछ हमारा सेम होता है उनके जैसा, फिर जो हमारा बिहेवियर होता है वो हमारे बच्चों का हमारे जैसा मिलता जुलता होता है। तो यही चीज़ यहाँ पे जेम्स ये बोलना चाह रहे थे कि अगर हम फिजिकल ट्रेड्स पास कर सकते हैं, फिजिकल ट्रेड्स जैसे कि आँखों का कलर सेम है, अपने माँ बाप जैसे आँखों का कलर, तो ये भी तो हो सकता है बिहेवियर भी सेम हो। तो वो यही चीज़ प्रूव करना चाहते थे जो बाद में हेरिडिटी के मैकेनिज्म से स्टडी करेगी थी कि हेरिडिटी से कैसे होता है, और वो बाद में ऑब्वियसली प्रूव हो गई, इसलिए आज हम ये जानते हैं कि हेरिडिटी के थ्रू हम ना तो फिजिकल फीचर्स बल्कि हम लोग बिहेवियर भी जो है वो अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से लेते हैं। तो यही जो चीज़ है इन्होंने स्टडी करने की कोशिश की थी। आगे जो इसमें इम्पोर्टेंट है,
ये वाला जो आपका पार्ट है यहाँ पे, इज फंक्शनलिज्म स्टिल एन इम्पॉर्टेंट व्यू पॉइंट इन साइकोलॉजी, मतलब क्या साइकोलॉजी में फंक्शनलिज्म अभी भी इम्पॉर्टेंट है? इन द न्यू फील्ड ऑफ साइकोलॉजी फंक्शनलिज्म ऑफर्ड एन ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट टू द स्ट्रक्चरलिस्ट. उस टाइम पे तो दो ही व्यू पॉइंट थे, एक था स्ट्रक्चरलिस्ट वाला जो अभी हमने पढ़ा ऊपर, और एक आ गया था बाद में फंक्शनलिज्म वाला. तो ये था कि दो हमें वो मिल गए थे, ऑप्शंस मिल गए थे कि हो सकता है कि स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो सही है या हो सकता है फंक्शनलिज्म सही है. तो दो ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट्स मिल गए थे दो अलग 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 उससे. तो वन कैन फाइंड एनिमल्स ऑफ फंक्शन द मॉडर्न फील्ड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी. जो आज के टाइम की एजुकेशनल साइकोलॉजी है उसमें हम फंक्शनलिज्म के कुछ एलिमेंट्स हमें मिलते हैं, मतलब कि ये जो व्यू पॉइंट्स थे उसके बेस पे हमारी मॉडर्न साइकोलॉजी भी बनी हुई है. एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट टू एजुकेशन, खास करके एजुकेशन की फील्ड पे. और इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी, जो इंडस्ट्री में जो लोगों के लिए साइकोलॉजी यूज़ होती है, जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनमें उनके ऊपर जो हम लोग साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल यूज़ करते हैं. तो ये फंक्शनलिज्म मतलब ये कह रहे हैं कि आज के टाइम का भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो आज की साइकोलॉजी या मॉडर्न साइकोलॉजी उसमें भी इसके बेसिक्स अभी भी मिलते हैं. और ये यहाँ पे डेफिनेशन दोबारा दी हुई है फंक्शनलिज्म की, कि अर्ली पर्सपेक्टिव इन साइकोलॉजी एसोसिएटेड विद विलियम जेम्स इन विच द फोकस ऑफ स्टडी इज हाउ द माइंड अलाउज पीपल टू अडैप्ट लिव. मतलब जो पहले के लोगों का पर्सपेक्टिव था साइकोलॉजी का, विलियम जेम्स से एसोसिएटेड है, जिसमें उन्होंने फोकस किया था कि माइंड वर्क कैसे करता है, पीपल अडैप्ट कैसे करते हैं सिचुएशंस पे, कैसे जीते हैं नॉर्मल डेली लाइफ अपनी, काम कैसे करते हैं प्ले, मतलब कैसे करते हैं फंक्शन कैसे करते हैं, उस पर बेस था बेसिकली. तो स्ट्रक्चर के बाद फंक्शनलिज्म आया कि फंक्शन कैसे करते हैं. तो ये आपका टॉपिक अब जो है इश्यूज इन साइकोलॉजी, ये अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करेंगे. तब तक आप देखिए आपको क्या चीज़ उसमें समझ नहीं आई है जो अभी तक हमने डिस्कस किया है, और जो भी आपके डाउट्स हो आप कमेंट्स में लिख देना. आगे हम लोग इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.